दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्ल्ड के पेमेंट प्लान के बारे में कि कौन से साइज में पेमेंट प्लान कैसा है, क्या क्या डिस्काउंट कंपनी की तरफ से और प्राइस क्या है। So what we've already done is all of our lagoon facing apartments from 12th floor to 8th floor now have a slightly elevated price. Our teams are fully trained on, you know, to explain the product and the model and please make best use of it starting tomorrow. हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंट अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी लाइक पैराडाइज। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्ल्ड के पेमेंट प्लान के बारे में कि कौन से साइज में पेमेंट प्लान कैसा है, क्या क्या डिस्काउंट कंपनी की तरफ से और प्राइस क्या है। एक्चुअल में बड़ा कंफ्यूजन है सबके साथ, कोई कितना डिस्काउंट दे रहा है, कोई कितना डिस्काउंट दे रहा है, कोई क्या प्राइस बोल रहा है, कोई क्या प्राइस बोल रहा है। दोस्तों आज प्राइस का डिस्कशन करेंगे, चलिए चलते हैं। आपको एक स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन पर जो है एक स्लाइड आएगी और उस स्लाइड के चलते मैं आपको धीरे धीरे पेमेंट प्लान समझाऊंगा, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जो मेरी नई वीडियोस आने वाली हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू। प्राइसिंग की अगर बात करें तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो 4 BHK प्लस सर्वेंट का जो है कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्ट शीट आ रही है। उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो इसका साइज है 2600 स्क्वेयर फीट, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ जो आती है लॉन्च प्राइस जो आता है 12,000 स्क्वेयर फीट है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं पोजेशन तक जो चांसेस हैं इस लोकेशन पर जो एप्रिसिएशन होगा वो 25,000 पर स्क्वेयर फीट का जो है एप्रिसिएशन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसी स्टडीज़ हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की पोजेशन तक जो कि 3.5 से 4 साल में। तो शुरू करते हैं कॉस्टिंग की। लॉन्च प्राइस जो है दोस्तों 12,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट का है और नेक्स्ट जो है लेस इनोग्रल डिस्काउंट, जो 500 रुपये का इनोग्रल डिस्काउंट इन्होंने प्री लॉन्च पे दिया हुआ है ये है 500 रुपीज़ का। प्री लॉन्च प्राइस जो आता है वो 11,500 रुपये का आता है। नेक्स्ट जो कार पार्किंग है वो इसमें दोस्तों एडिशनल है और PLC जो है वो एडिशनल है, PLC बिल्कुल लास्ट में दी हुई है। हम आगे चलते हैं। कार पार्किंग के चार्जेस 6 लाख रुपये आगे इन्होंने दिया है। क्लब चार्जेस जो है 5 लाख रुपये। EDC IDC क्या है, अभी एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस है जो बिल्डर आपसे जो है चार्ज करता है ये 500 रुपीज़ है, ये भी बिल्कुल एक्स्ट्रा है जो प्राइस में इंक्लूड नहीं होता है। TPR आप लास्ट में देखेंगे जो कि है 300 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ TPR। ये क्या है, टाइमली पेमेंट रिबेट है। आप टाइमली जब इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलमेंट जो इनका पेमेंट प्लान है 30-30-40 का, 30% देते हैं, 30% देते हैं, फिर पोजीशन पे जो है 40% देते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको 300 रुपीज़ का इनॉग्रल सॉरी जो TPR जो है उसका रिबेट मिल जाता है। टोटल जो 800 रुपये के आसपास का पर स्क्वेयर फीट का आपको TPR मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करो तो 11,200 रुपये के आसपास आती है। अब जो है TPR को छोड़ के इनॉग्रल जो है डिस्काउंट जो 500 रुपीज़ का है उसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो वो कम क्या कर दिया है वो जब आप 101 डिस्कशन करेंगे उसमें आपको बता दूंगा कि कुछ अभी कुछ जो है वो प्राइसिंग में चेंज आ चुका है, प्राइस थोड़ा सा अप्रिशिएट कर चुका है। और आगे चलते हैं दोस्तों, हम बुकिंग अमाउंट की बात करते हैं। आगे 11 लाख रुपये का इसका बुकिंग अमाउंट है। GST इसमें एक्स्ट्रा है, GST दोस्तों 5% की GST होती है जो आपको एक्स्ट्रा पे करनी होती है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो 10 दिन के अंदर जो है टोटल कॉस्ट वैल्यू का आपको 10 दिन के अंदर जो है 10% देना होता है। 30 डेज 30 से 60 दिन के अंदर जो है आपको 60% अमाउंट जो है सॉरी 30% अमाउंट जो है टोटल इन टोटल वो करनी होती है। यानी कि अगर आज आप बुकिंग करते हैं, आज दिसंबर चल रहा है, तो फरवरी तक आप जो है फरवरी के एंड तक ये 30% पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों 30% कंप्लीशन दे रखा है वो ऑन कंप्लीशन ऑफ रूफ टॉप जो स्लैब है जो सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा तैयार हो जाएगा तब होगा। अमूमन अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्ट्रक्चर तैयार होने में लगभग अगर माइवन कंस्ट्रक्शन की बात करूँ 2 साल लगेंगे। 2 साल के बाद आपकी नेक्स्ट पेमेंट जाएगी जो कि होगी 30%। ओन एप्लीकेशन ऑफ OC 30% देना है आपको। 30% इनिशियल दिया आपने फरवरी तक, 2 साल बाद आपने 30% दिया, टोटल 60% पेमेंट हो गया, GST इसमें एक्स्ट्रा होगी, बचा 40%। 40% में से 30% जो है ओन OC एप्लीकेशन, जब बिल्डर जो है OC अप्लाई कर देगा तब आपकी आपको जो है डिमांड रेज कर देगा तब आपको पेमेंट करनी होगी उसके आसपास। और उसके बाद फिर पोजेशन, बाकी जो 10% बचता है वो पोजेशन आपको ऑफर कर देंगे। जब
प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, रेडी टू मूव इन हो जाएगी, इंटीरियर का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको पोजीशन के लिए बिल्डर जो है डिमांड रेज करेगा कि आप पोजीशन ले लीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पोजीशन नॉर्मली मिल जाती है आपको, तो उस दौरान आपको 10% बाकी का जो बचा हुआ है वो पेमेंट पूरी करनी है। बात करते हैं इसमें लगून जो है, इसमें पीएलसी का डिस्कशन कर लेते हैं। लगून व्यू फेसिंग है, जो अंदर की फेसिंग है दोस्तों, उसमें दो तरह की पीएलसी आएगी, पहले तो आपकी फेसिंग, दूसरा है आपका फ्लोर। जितने जितने फ्लोर लगून की तरफ आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, पीएलसी आपकी कम हो जाएगी फ्लोर की, प्लस कॉर्नर की पीएलसी इसमें एडिशनल है, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, अभी आप वो भी डिस्कस करेंगे हम। लगून व्यू जो है ग्राउंड फ्लोर से 8 तक ₹500 लगून की पीएलसी है। पीएलसी मतलब प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, आपकी पसंद के लोकेशन के चार्जेस। लगून का स्टैंडर्ड है और इसमें जो है ₹500 है। और फ्लोर की बात करें तो 8th फ्लोर तक आपको जो है पीएलसी लगेगी ₹400, 9 से 21 फ्लोर तक आपको पीएलसी लगेगी ₹250, और 22 से 29 तक टोटल जो है G+29 के फ्लोर हैं तो 22 से ऊपर ₹150 पीएलसी लगेगी। तो टोटल जो पीएलसी लगती है वो 900, 750, 650 आपको पीएलसी लगेगी। अगर बाहर की फेसिंग की बात करूँ जिसमें दिल्ली ग्रीन्स की फेसिंग है, तो उसमें जो दिल्ली ग्रीन की फेसिंग है, व्यू वाइज जो फेसिंग है, व्यू की फेसिंग जो है वो स्टैंडर्ड है ₹150 की। और जो फ्लोर की पीएलसी है 0 से 8 तक, मतलब 1st फ्लोर से 8th फ्लोर तक जो है कोई पीएलसी नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपको ₹150 टोटल पीएलसी के चार्ज लगते हैं। 9वें फ्लोर से 21वें फ्लोर तक जो है पीएलसी आपको ₹150 लगती है, और 22वें से 29वें फ्लोर तक आपको जो पीएलसी है वो ₹200 लगती है। अब आप कहोगे कि जो ग्रीन फेसिंग है उसमें और बाहर की फेसिंग में उल्टा हो गया, क्योंकि ग्रीन फेसिंग क्या है, आपको ज़्यादा ऊँचे फ्लोर पर जाओगे तो आपको नीचे का दिखाई नहीं देगा, लगून नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऊपर आप चले गए, तो वहाँ पीएलसी ज़्यादा क्यों ले रहे हैं 8th फ्लोर तक, क्योंकि आपको लगून पूरा नज़र आएगा, खूबसूरत नज़र आएगा। ग्रीन फेसिंग जो है दिल्ली ग्रीन वो दूर है, इसलिए आपको ऊपर के फ्लोर पे ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, तो इसलिए ऊपर के फ्लोर की पीएलसी ज़्यादा होगी, वो उल्टा हो गया है। आगे है फिर सिटी फेसिंग, कुछ इसमें जो है 3 तरह की फेसिंग आएगी। सिटी फेसिंग आ जाएगी जो आपके गुड़गांव शहर की तरफ है, उसमें जो है सिटी फेसिंग स्टैंडर्ड ₹200 के लिए रखी है, और जो फ्लोर की पीएलसी है वो है 8th फ्लोर तक जो है ₹0, कोई एक्स्ट्रा उसके चार्जेस नहीं है। 9 से 21 फ्लोर तक जो है आपको देनी पड़ेगी ₹150, और सेम वही 22वें से 29वें फ्लोर तक ₹200 पीएलसी पड़ेगी आपको। तो कुल मिला के सबसे जो महंगी पीएलसी होगी वो होगी लगून फेसिंग, और 8 फ्लोर तक जो है वो फेसिंग आपको ₹900 पड़ने जा रही है। और जो सबसे कम पीएलसी आएगी दोस्तों, वो पीएलसी आएगी ₹150 की दिल्ली ग्रीन्स की, जो दिल्ली ग्रीन्स की तरफ फेसिंग होगा और आपको जो है नीचे का फ्लोर होगा। तो इसमें फिर एक कॉर्नर की पीएलसी है, अगर मान लीजिए आपका जो फ्लैट है वो कॉर्नर पे आता है तो ₹150 एडिशनल हो जाएंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप बुकिंग करने जाएं फ्लैट की, तो इस प्राइसिंग का ज़रूर ध्यान रखें, कॉर्नर की जो पीएलसी है वो ज़रूर चेक कर लें। आप जब भी आएंगे तो आपको लेआउट दिखाया जाएगा, उस लेआउट में अपनी पीएलसी यूनिट ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आप वो फ्लैट तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको कॉर्नर पर पड़ रहा है टावर के। अगर कॉर्नर पर पड़ रहा है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्राइसिंग का जो है कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। कॉर्नर पीएलसी अगर कोई आपसे छिपाए तो बस चेक कर लेना लेआउट में अच्छे से, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है नीचे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे बारे में। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो दोस्तों, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन में 2.5 जो बेच के था 2+ स्टडी वाला, वो सोल्ड आउट हो चुका है, लिमिटेड इन्वेंट्री थी, उसके UI बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो वो सोल्ड आउट है। बाकी अगर कोई बायबैक करता है या नया जो है दूसरी साइज के लिए ऑप्ट करता है, तो अगर कुछ वैकेंसी रहती है तो आई लेट यू नो, और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उसके लिए और वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो अवेलेबिलिटी है अभी 1850 3+ स्टडी की है, 3+ सर्वेंट की है, जो 2050 का है, फिर 4+ सर्वेंट की है, उसकी अवेलेबिलिटी है। जो मैंने आपको कॉस्टशीट समझाई है वो 2600 स्क्वायर फीट वाले बड़े साइज की समझाई है। सेम अगर मैं आपको शेयर करूँगा कॉस्टशीट, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में मैंने सेव किया हुआ है कॉस्टिंग इसकी, और कैटलॉग का भी जो मैंने अपना व्हाट्सएप कैटलॉग है वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। हर एक साइज़ की जो है वो कॉस्टशीट मैंने वहाँ दे रखी है, आप कॉस्टशीट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्राइस के बारे में जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी आने वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, जो प्री लॉन्च में है या लॉन्च होने जा रहे हैं या लॉन्च हो चुके हैं, उन सब की वीडियोस भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। इससे ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं या विजिट चाहते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी एट 8851591933।
थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी लाइक पैराडाइज।